Initial release. Elasticsearch की initial release 6 बैनन नामी पर्सन ने 2010 के अंदर फरवरी के महीने में पहला इसका वर्जन जो है ना वो लॉन्च किया। 2012 के अंदर कमर्शियल सर्विस के तौर पे ये इस्तेमाल होना शुरू हुई। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका मैं थोड़ा करवा दूँ रिलीज के हवाले से। लोसीन एक लाइब्रेरी है जावा की। अच्छा, उस जावा की जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर एक रैपर है ये इलास्टिक सर्च। अब वो जो लोसीन लाइब्रेरी थी वो सर्च इंजन का काम करती थी, तो उसके ऊपर एक रैपर लिखा गया ताकि इसे अवेलेबल बनाया जा सके बाकी लैंग्वेजेस के साथ, मतलब PHP, रबी, नोड JS, सो ऑन। और ये जो लाइब्रेरी है ये डिवेलप भी जावा के अंदर ही हुई हुई है। लोसीन जो है जावा लैंग्वेज से अगर आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हैं ऑलरेडी, तो इसके अंदर होता ये है कि इसका जो सेंटेक्स है वो काफी ह्यूज होता है। मतलब अगर आपने सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवानी है तो उसके लिए भी आपको काफी लंबी सारी जो है ना सेंटेंस लिखना पड़ता है, तो फिर वो आपकी छोटी सी लाइन जो है ना प्रिंट होती है। तो सेम इसी तरीके से जब लोसीन के साथ आपने काम करना है जावा के अंदर रहते हुए, तो इसके जो कमांड्स हैं उसके साथ खेलना मतलब थोड़ा टफ है, थोड़ा टिपिकल था। अब ये जो इलास्टिक सर्च का रैपर है ये बैकएंड के ऊपर वही सारी कमांड्स रन करता है, स्टोर के लिए, अपडेट के लिए, सर्च के लिए और सारे ऑपरेशंस के लिए, लेकिन उसको कंपाइल कंपाइल कर देता है बाकी लैंग्वेजेस के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है कि जी अगर हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है इलास्टिक सर्च के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो मुझे अगर जावा सिंटैक्स के अंदर वो अगर मैं लिखूंगा तो उसके अंदर मुझे हो सकता है कि 10 वर्ड्स की एक लाइन जो है ना लिखनी पड़े एक सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए। तो इसके लिए उन एक इलास्टिक सर्च एक रैपर जो है वो क्या करेगा कि वो आपको एक शॉर्ट सा सेंटेंस देगा जिसके वो आपने मतलब लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो जो आपका छोटा सेंटेक्स है वो इलास्टिक सर्च का पीछे कंपाइलर क्या करेगा उसे जावा के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जावा की एक्चुअल कमांड के अंदर जो कि लोसीन के साथ कम्युनिकेट करेगी और लोसीन की तरफ से जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको प्रिंट कर देगी। और इस तरह का एक्चुअल बैकएंड के ऊपर मैकेनिज्म इसका चल रहा है। ज्यादा लाइसेंस इसके अपाची के साथ हैं। इस बात का अंदाजा आपको होगा जब आप डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ इलास्टिक सर्च के बहुत सारे मॉडल आपको अवेलेबल मिलेंगे और इनके डिफरेंट किस्म के लाइसेंस होंगे जो कि डिफरेंट टर्म्स के साथ जो है ना अवेलेबल होंगे, और ज्यादा उनका जो ताल्लुक होगा वो अपाची सर्च इंजन के साथ है। इस चीज को आप ऑनलाइन इनके वेब पेज के ऊपर इस तरह कुछ व्यू करें जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डिफरेंट किस्म के वर्जन हैं, ये डिफरेंट फीचर्स के साथ हैं जिनको डिफरेंट किस्म के लाइसेंस अलाउ किए गए हैं और उस हवाले से उनके नेम रखे गए हैं।